हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आप देख रहे हो जैस्मिन किचन। तो फ्रेंड्स, आज बहुत मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई, केक की रेसिपी। और ये डबल लेयर वाला केक फ्रेंड्स, और ये केक हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो ये केक कढ़ाई में कैसे बनते हुए देखेंगे फ्रेंड्स। और एकदम सुपर टेस्टी यम्मी मज़ेदार पोंजेस केक हम कैसे कढ़ाई में बनाए वो चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 अंडा लिया। 3 अंडे को फोड़ के लिया मैंने, और उसी के हिसाब से मैंने 1 कप शुगर डाल के लिया फ्रेंड्स। और 1 चम्मच मैंने वेनिला एसेंस लिया, और इसे अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे। शुगर और अंडे को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। शुगर मिक्स होने तक अच्छे से हम इसे फेंट के मिक्स करके लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, और रिलेटिव फ्रेंडों में शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम तेल डाल के लेंगे, और तेल को भी अच्छा से इसी तरह से फेंटता हुआ मिक्स करके लेंगे हम। और एक केक बहुत ही सुपर बहुत ही यम्मी बनता है फ्रेंड्स। तो आप इसे क्रिसमस में भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यम्मी बनता है। तो अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो 2.5 कप के करीब मैंने मैदा ले लिया फ्रेंड। अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल के लेंगे, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से छान के मिक्स करके लेंगे फ्रेंड्स। और मैंने सेम गिलास का यूज़ किया। ये जो गिलास है फ्रेंड्स, ये छोटा साइज का गिलास है, आपको देख के लगता होगा बहुत बड़ा गिलास है। तो मैंने उसी गिलास का 1 गिलास मैंने दूध डाल के लिए फ्रेंड्स। अरे जो दूध है ये ना गर्म है ना ठंडा है, मीडियम रूम टेम्परेचर पे दूध रखा है। ये दूध को भी अच्छा से तो दूध को भी अच्छे से मिक्स करके लेने का फ्रेंड्स इस तरह से। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करके लिया। अब इसे हम 2 हिस्से में डिवाइड करके लेंगे, 2 हिस्से में बांट के लेंगे। और इसमें चॉकलेट पाउडर डाल के लेंगे फ्रेंड्स 2 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब दूध डाल के इसे बैटर के साथ अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे इस तरह से। देखिए 1 चम्मच दूध डाल के अच्छे से चॉकलेट पाउडर को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करके लेने का। तो देखिए मैं चॉकलेट को भी अच्छे से मिक्स करके लिया, और मैं इधर केक टिन लिया उसमें अच्छे से तेल लगा के लेंगे, और बीच में इस तरह से एक बटर पेपर डाल के उसमें के ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा के लूँगी। और बीच में फिर इस तरह से एक गिलास रखेंगे, और उसमें थोड़ा पानी डाल के दोनों कलर के बैटर को एक ही साथ में इसी तरह से डाल के लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा जो लेयर आ गया, डिजाइन कलर आप देख सकते हो, बहुत ही दिखने में सुपर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दिया 5 मिनट के लिए, हीट पे रख दिया सबसे पहला। तो 5 मिनट हो गया, आप केक मैंने रख दिया। अब इसे 50 to 55 मिनट पका के लेंगे। तो 50 मिनट के बाद आप एक बार ज़रूर चेक करिए। तो देखिए, तो मैं 50 मिनट में एक बार चेक करके लिया फ्रेंड्स, तो परफेक्ट हमारा केक बन गया। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिए, आपका अगर नहीं पका तो आप फिर 5 मिनट रखिए। तो देखिए थोड़ा ठंडा हो गया हमारा। अब जो गिलास रखा था बीच में वो हम निकल के लेंगे इस तरह से, और इसके साइड पूरा छुड़ा के लेंगे, साइड छुड़ा के इसे अच्छे से निकल के लेंगे। तो मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो देखिए केक में निकल के लिया, और बटर पेपर को भी इस तरह से निकल के लेंगे, और एक प्लेट के ऊपर रख के लूँगी मैं। देखिए इस तरह से, तो हमारा केक देखिए फ्रेंड्स कितना सुपर और यम्मी टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर घर पर बनाइए और आपके बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ही सुपर केक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए एकदम पोंजेस यम्मी सुपर टेस्टी केक बना है फ्रेंड्स, एकदम जालीदार। तो देखिए कितना यम्मी पोंजेस लग रहा है। तो आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, देखिए। तो आप भी इसी तरह से घर पर बनाइए, खाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।
थैंक यू।